रक्षाबंधन की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आया हूँ मामा के घर और ये है मामा का खेत, ये है जोंदराबाड़ी। यहाँ पे आने का मेरा मेन कारण है कि मैं यहाँ पे पीला हरिन साग ढूंढने आया हूँ, जो कि डिलीवरी के बाद लेडीज लोग को सब्जी खाने में बहुत सारी परेशानी होती है, तो कुछ चुनिंदा सब्जी को खाने के लिए फोर्स करते हैं, ये दादी के नुस्खे में भी है। तो मैं यहाँ लेने आया हूँ। और ये पीछे देख रहे हैं केले का झाड़ है, केले का सब्जी को ज़्यादातर खिलाया जाता है। तो ये मैं केला तोड़ लिया हूँ थोड़ा सा, आप देख सकते हो। और पीला हरिन सब्जी में मुनगा भाजी खिलाते हैं, जस्ट पीछे में मुनगा भाजी है। और यहाँ पे एक मेरे दोस्त मिले तो उनको मैंने चढ़ाया, क्योंकि मैं पेंट शर्ट के साथ हूँ तो तोड़ नहीं सकता, तो उनको चढ़ाया हूँ और वो मुनगा भाजी तोड़ रहे हैं। और उसके बाद मैं तोड़ूंगा पपीता। ताज़ा सब्जियाँ और ऐसी सिंपल सब्जियाँ खिलाया जाता है, इसीलिए मैं ये सब सब्जियाँ तोड़ने आया हूँ। और तीनों ही एक डिलीवरी के बाद लेडीज़ के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, तो तीनों ही तोड़ के ले जाऊँगा। ये मेरे दोस्त हैं और झोला भर के मुनगा भाजी तोड़े हैं, देख सकते हो। लाते हैं देखो कितना झोला भर के, इसको चुन चुन के बनाएंगे। क्या नाम है यार भाई? गोलू। ये गोलू है और गारेंगा का है। कौन से एग्जाम पढ़ते हो भाई? नाइन्थ में पढ़ता है। नाइन्थ में काफ़ी हेल्प किया मेरा, क्योंकि मैं पेड़ में अभी चढ़ नहीं सकता इस पेंट शर्ट के साथ, तो भाई ने तोड़ दिया मेरे को। और मैंने केला मैंने खुद से तोड़ लिया है, केले का झाड़ है। और केले के साथ साथ यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये केले का फूल लगा हुआ है, जो कि कई लोग फूल का सब्जी भी खाते हैं। मेरा भी खाने का इच्छा है, बट आज तक मैंने कभी खाया नहीं है। तो अभी मैं मामा को बोलूँगा कि एक फूल है तोड़ के ले जाऊँ करके, अगर तोड़ने के लिए इजाज़त देंगे तो मैं तोड़ के ले जाऊँगा और इसको भी सब्जी बनाऊँगा। अगर आप लोग खाए हैं तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और बताइए कि कैसा लगता है सब्जी।